मैं डॉक्टर के सिंह हूँ। मैं संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा न्यूरोलॉजी में मूवमेंट डिसऑर्डर्स का इंटरेस्ट है। इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स में जो मरीज होते हैं उसमें या तो मूवमेंट ज़्यादा होता है या कम होता है। अगर मूवमेंट कम है, चलने में, खाने में, हाथ हिलाने में और घूमने में, तो एक बीमारी है पार्किंसंस डिजीज़। उसका हल हमारे पास है, दवा से भी है, ऑपरेशन से भी है। और जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स जिसमें ज़्यादा हरकत होती है उसके भी उपाय हैं जो पहले नहीं थे। अब जैसे डिस्टोनिया है, एक बीमारी है जहाँ हाथ पैर ज़्यादा हिलते हैं या आँख ज़्यादा टिमटमाती है या मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ लिखने में दिक्कत होती है। ये डिस्टोनिया जो अगर एक जगह हो उसको हम फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं। उसके लिए नया जो अभी ट्रीटमेंट है उसको हम बोटॉक्स थेरेपी बोलते हैं। और तकरीबन मैंने 30 साल बोटॉक्स थेरेपी में शुरू से ही लगा हुआ हूँ और ये बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है फोकल डिस्टोनिया के लिए। मूवमेंट डिसऑर्डर्स कई और तरीके के भी होते हैं, वो पहले उनका कोई इलाज नहीं था। आज इतनी एडवांसमेंट के बाद और इतना नए मॉडलिटीज आने से अब मरीज को फायदा होने लगा है मूवमेंट डिसऑर्डर्स में। मेरा क्लिनिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स को थर्सडेज को होता है और बोटॉक्स उनको लगाता हूँ वीकली जिनको ज़रूरत होती है फॉर फोकल डिस्टोनिया। धन्यवाद। थैंक यू।